अब राज्यपाल मंच पर बैठे हैं, महिला घूंघट डालकर मंच से भाषण दे रही है, लेकिन जब घूंघट खोलने को कहा तो महिला ने कहा कि घूंघट वो नहीं खोलेगी क्योंकि उनके जेठ जी बैठे हैं। इस बात पर महामहिम राज्यपाल की भी हंसी छूट गई। मामला मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से आया है, जहां पर राज्यपाल मंगू भाई पटेल एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान एक महिला मंच पर अपनी बात रखने का महिला को मौका दिया गया। जब महिला मंच पर घूंघट डालकर पहुंची तो नेता और अधिकारियों ने घूंघट हटाकर भाषण देने को कहा। इस पर महिला ने कहा, घूंघट नहीं खोलूंगी, जेठ जी बैठे हैं। दरअसल गुन्नौर विधानसभा क्षेत्र के चोपड़ा गांव में राज्यपाल मंगू भाई पटेल विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होने पहुंचे थे। यहाँ सियाबाई नाम की महिला को मंच से अपनी बात कहने का मौका दिया गया। महिला के साथ तीन अन्य लोगों को भी संबोधन के लिए बुलाया गया था, लेकिन इनमें सियाबाई की बातों की अब चर्चा हो रही है। जब सियाबाई मंच पर घूंघट डालकर भाषण देने पहुंची तो अधिकारी और नेताओं ने उनसे घूंघट खोलने को कहा, लेकिन सियाबाई ने घूंघट ना खोलूंगी, जेठ जी बैठे हैं, यह बात उन्होंने बार बार मंच से दोहराई। सियाबाई की बातें सुनकर लोगों को हंसी। अब मंच पर राज्यपाल की भी सियाबाई की बातों को लेकर हंसी छूट गई। महिला ने जेठ किसको बोला ये नहीं पता, लेकिन इस मामले की खूब चर्चा हो रही है। सियाबाई ने इस मंच पर पीएम आवास योजना, उज्ज्वला योजना और कई योजनाओं की तारीफ की और जमकर नारे लगाए। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा कि सियाबाई ने जिस हौसले के साथ अपनी बात मंच पर रखी, वह प्रशंसा की पात्र है, वह तारीफ की काबिल है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णु दत्त शर्मा ने कहा कि सियाबाई ने मोदी सरकार की योजनाओं पर जो बातें कही हैं, वह भारी प्रशंसनीय है। लेकिन अब इस बात को लेकर जरूर पन्ना में कयास लगाया जा रहा है कि मंच पर वो ऐसा कौन व्यक्ति बैठा था जिस पर सियाबाई ने यह बार बार कहा कि घूंघट न खोलूंगी, जेठ जी बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर एक्सप्रेस न्यूज पन्ना। एमआई मोबाइल स्टोर एवं रिधिमा मोबाइल लेकर आया है सैमसंग एवं बजाज फाइनेंस सुविधा। हर कंपनी का मोबाइल आसान किस्तों पर घर ले जाएं, साथ ही दिवाली के मौके पर विशेष ऑफर उपलब्ध है। हमारा पता है एमआई मोबाइल स्टोर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉम्प्लेक्स, दुकान नंबर 16, रहली, मध्य प्रदेश। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें विवेक गुप्ता 93 29 78 39 22।